दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपका भी पेमेंट अलग अलग दिखाई दे रहा है गूगल एडसेंस अकाउंट में तो आप लोग किस तरीके से इस बैलेंस को एक में ऐड कर सकते हैं और ये आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ मेरे अकाउंट में भी दोस्तों डॉलर अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये एडसेंस इंडिया में दोस्तों अभी $56 हुआ है और यहाँ पर मैं अपना दूसरा ऑप्शन में दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं YouTube इंडिया, और YouTube इंडिया में भी आप लोग देख सकते हैं $62 है, जिसकी वजह से इसमें भी नहीं $100 कंप्लीट हुआ है और इसमें भी $100 कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से मेरा दोस्तों पेमेंट अभी हो सकता नहीं आए, लेकिन मैंने YouTube वालों से बात की, उनसे मैंने पूछा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और किस लिए आ रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम किसकी वजह से है और किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे बताई, मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूं। तो अगर आपका भी पेमेंट दोस्तों अलग अलग दिखाई दे रहा है दोस्तों अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में, लेकिन आपका अभी तक वेबसाइट या ब्लॉग से आप अर्निंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं और आपकी अर्निंग दोस्तों अलग अलग शो हो रही है, तो आप लोग भी फिक्स कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। और यहाँ पर दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ अपना जो ओरिजिनल अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट खींच लिया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता था कि मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स करूँगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि आप लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। पर अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर $56.63 इस अकाउंट में है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं $62 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आप मैं अपना जो ऑफिशियल अकाउंट है दोस्तों मैं वहाँ पर ले चल के आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये मेरा पैसा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी देख सकते हैं 00 दिखाई दे रहा है, पहले इस अकाउंट में यहाँ पर $56 दोस्तों 63 कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब मैं इस 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ और यूट्यूब वाले सेक्शन पर जाता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है टोटल दोस्तों जितना मेरा अभी डॉलर ऐड हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये डॉलर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों डॉलर मेरा ऐड हो चुका है दोस्तों, जो अलग अलग दिखाई दे रहा था वो अब डॉलर ऐड हो चुका है। तो ये मैंने किस तरीके से ऐड किया है मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों अगर आपका भी पेमेंट दोस्तों अलग अलग दिखाई दे रहा है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है, कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एडसेंस इंडिया में दोस्तों अब डॉलर 00 दिखाई देगा, अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डॉलर दोस्तों यहाँ पर 00 दिखाई दे रहा है, और मैं अगर इंडिया में जाता हूँ YouTube इंडिया में तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितना मेरा डॉलर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने ऐड किया है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया। तो मैंने दोस्तों गूगल एडसेंस को एक क्वेश्चन डाला था और यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर मुझे कुछ इस तरीके से मिला था, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये इंग्लिश में दिया हो, और मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे, तो यहाँ पर अभी जो है देख सकते हैं दो पूरी तरीके से अलग अलग भुगतान फाइलें हैं, प्रत्येक व्यक्तिगत भुगतान खाते पर न्यूनतम भुगतान किया जाना चाहिए, मेरा मतलब है अगर वो लाभ YouTube प्लेटफॉर्म से अर्जित किए गए थे इसे नए YouTube पेमेंट खाते में स्थानांतरित किया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया है कि अगर आप YouTube से पैसा कमा रहे हैं तो YouTube वाले सेक्शन में ऐड होगा, लेकिन अगर आप वेबसाइट या ब्लॉग से पैसा कमा रहे हैं तो आप वहाँ पर अपने एडसेंस इंडिया में भी ऐड होगा। तो ये साफ साफ इन्होंने बताया था, तो मैंने दोस्तों दो तीन वेट किया, उसके दिन ये दोस्तों अलग अलग पेमेंट दोस्तों जो दिख रहा था वो एक में ऐड हो गया। तो दोस्तों अगर आपका भी पेमेंट अलग अलग दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को घबराना नहीं है दोस्तों, सिर्फ आप लोगों को अपना वीडियो बनाना है और आप अपने चैनल पे काम करिए। दोस्तों आपका बैलेंस दोस्तों जैसे ही 21 तारीख आएगी आपका बैलेंस दोस्तों एक अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, अगर आपका यूट्यूब का पैसा होगा तो यूट्यूब वाले सेक्शन में ऐड किया जाएगा, अगर आपका पेमेंट दोस्तों ब्लॉग या वेबसाइट से कमाया हुआ पैसा है तो आप लोग अपने वेबसाइट वाले सेक्शन में आपका पैसा ऐड किया जाएगा। इन्होंने साफ साफ बता दिया था, और मेरा भी दोस्तों अलग अलग दिखाई दे रहा था, मेरा भी ऐड हो गया है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि आप लोगों को घबराना नहीं, बस आप लोगों को काम करना है और आपका बैलेंस दोस्तों आपका एक ही अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय।